हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रोज़ की तरह मैंने सुबह अपना वेट चेक किया है, जो लास्ट डे से 100 ग्राम ही कम हुआ है इस बार, क्योंकि 61 के बाद ना वेट कम करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। बट फिर भी 100 ग्राम कम ही हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट था जो कि दही और बादाम। अभी कुछ दिनों से मैं रेगुलरली सुबह दही खा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा दही खाने में। और ये उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है अभी 4-5 दिनों से। और ये सुबह सुबह मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि मैंने ऑर्डर किया हुआ था, कीटो आटा। तो ये मैं देख रही हूँ अपना पैकेट ओपन करके, अंदर इसमें जितने भी ये मतलब डिटेल्स दिए हुए हैं वो सब पढ़ रही हूँ। और ये ना 600 का मुझे पड़ा, थोड़ा महंगा है 1 किलो आटा, बट कीटो में आप कितना ही खाओगे। तो इसका टेक्सचर वगैरह मैं सब चेक कर रही हूँ, नॉर्मल आटे से तो डिफरेंट है। मैंने थोड़ा सा लिया और मुझे पता है कि जय को ये सब नहीं पसंद आएगा, मतलब उनको भाई नॉर्मल रोटी ही चाहिए होती है। तो ये रोटी मैंने एक बना ली लंच में, मैंने सोचा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। और इसका रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगी, 2-3 बार खाऊँगी तब बताऊँगी कैसा है। और उसके बाद अभी मैं खाने आई हूँ, ये रोटी तोड़ कर आप लोगों को दिखा रही हूँ, नॉर्मल रोटी से तो डिफरेंट है। और साथ ही मैंने बनाया था भिंडी, भिंडी कम्प्लीटली अलाउड है कीटो में, और दाल नहीं है, इसलिए मैंने दाल थोड़ा सा लिया है पानी जैसा। मैं इतना स्ट्रिक्टली कीटो फॉलो कर रही हूँ जैसे लग रहा कोई टीचर है जो मुझे कंटिन्यूअस मुझे गाइड कर रहा हो या डांट रहा हो, इसलिए मैंने दाल ना बिल्कुल पानी पानी सा लिया था। और ये डायरेक्टली आ गई हूँ मैं अभी डिनर पे, मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया। और डिनर में मैंने बनाया था ये पनीर की बिल्कुल ही मतलब सिंपल सी सब्जी और साथ में वही सेम रोटी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैं आ गई हूँ शूट करने के लिए, वेट मेरा सेम है, इस पर कुछ भी कम नहीं हुआ है, बट यहाँ आकर मेनटेन मतलब हो के चल रहा है, मुझे थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज और बढ़ाना पड़ेगा। और ये मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज फ्रूट ले लिया, मिक्स फ्रूट। और ये मैं आप लोगों को आज लंच दिखा रही हूँ जो कि थोड़ा डिफरेंट है, मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। एक तो मैं सिंपल नॉर्मल जैसा बनता है बेसन के साथ वो मैंने बनाया, और ये दूसरा जिसमें कि इसमें मैंने वही से कीटो वाला आटा डाला है, थोड़ा प्याज नमक और जो भी मसाले होते हैं धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि मैं तेल जो है वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने कम से कम ऑयल में किया। और ये इतने आप देख सकते हो, देखने में बहुत यम्मी टेस्टी सा लग रहा है, खाने में भी अच्छा था। अब आप बेसन के पकौड़े का तो कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट ये सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। कहाँ जाएगी मीठी, ऐसे सॉक्स पहनते हैं? हाँ देखो तो कैसे सॉक्स पहना है मीठी, थोड़ा सा मुखो दिखा दो, मुखो दिखा दो, कितना सॉक्स पहनेगा, 2-2 सॉक्स। टूटू सॉक्स पहनना है मीठी को, और अभी आ गई हूँ मैं अपना लंच करने के लिए। ये वही कोफ्ता है जो सेपरेट मैंने अपने लिए बनाया था, और साथ में लिया है थोड़ा सा पनीर, क्योंकि साथ में कोई रोटी और सब रोटी या चावल नहीं था इसलिए मैंने पनीर ले लिया था। और उसके बाद ये बना रही हूँ मैं शाम की चाय, मैंने एक्चुअली चाय पी लिया है, उसके बाद जय के लिए अभी सेपरेट बना रही हूँ, तो उनको एक्चुअली शुगर चाहिए होता है थोड़ा सा, तो मैंने ऐड करके उनके लिए फिर बाद में चाय बना दिया। और ये रहे वो शाम को बैठे हैं, अभी मीठी सो रही है तो मैं इनको चाय देकर जाऊंगी उसे उठाने के लिए। अभी शाम के 5:30 या 6 के अराउंड हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है शाम, इसी टाइम पे मीठी उठती है, 2 घंटे सोती है, 3:30-4 बजे के आसपास सोती है, और ये 1.5-2 घंटे अराउंड ये सो लेती है, उसके बाद मैं उठा देती हूँ। उठना तो नहीं चाहती है बट उठाना तो पड़ता ही है। और अभी आ गई हूँ मैं अपना डिनर बनाने, क्योंकि मुझे 8 बजे के आसपास डिनर कर लेना होता है, तो मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और जय भी सेम डिनर कर लेंगे। और इसमें मैं कोई रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बैंगन का भरता पता नहीं मैंने कितनी बार ही अपने ब्लॉग में दिखाया है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस जगह पर आ गई जहाँ बैंगन का भरता मेरा कम्प्लीट होने वाला है। बस सेम डिनर है हम दोनों का, बस डिफरेंस यही है कि उनके लिए मैं नॉर्मल रोटी बनाऊँगी और अपने लिए वही कीटो वाली रोटी। तो ये एक रोटी मेरी बन गई, और जय अभी डिनर नहीं करेंगे, वो लेट से करते हैं 9:30-10 बजे के अराउंड, तो मैं कर लेती हूँ 8 बजे। तो ये जूता मैंने अभी धो दिया, ये सूखेगा सुबह तक, बारिश वरिश हो गया तो और गड़बड़। सब बंद कर रही हूँ बस एक मिनट।
तो डिनर के बाद मैं लग गई पैकिंग करने में। एक्चुअली मुझे और मीठी को जाना है होम टाउन, जय नहीं जा रहे हैं, मुझे ही कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो ये मैं अपने यहाँ पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। मुझे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ मैं भूलती रहती हूँ, तो सुबह तक मैं डाल लूँगी क्योंकि 11 बजे के बाद की फ़्लाइट है। और ये ऊपर पड़ा है, इसमें मैंने मतलब मीठी और अपना जो भी मतलब नीड की चीज़ें होती हैं, क्रीम हो गया, क्लचर हो गया, रबर बैंड हो गया, तो ये मैं अपने हैंड बैग में डालूंगी क्योंकि मीठी अपनी चोटी बार बार खोल लेती है, बाल खुल जाते हैं तो बहुत परेशान होती है, इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ। और ये मेरा पैकिंग जो है वो कंप्लीट ही है, और वो मैंने पहनने के कपड़े भी अलग कर लिए, मीठी के भी अलग कर लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सुबह कम से कम जो है मेरे लिए काम हो। और मैडम यहाँ खेल रही हैं, तो ये जितने दिन मैं उधर काम कर रही थी इसने पूरे बेड की हालत ख़राब करके रख दी है, मतलब टॉयज ले लेके लाल आकर सारा ये बेड पे फैला देती है। तो मैं अब इसे भी ठीक कर रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है सारा काम करते हुए। यहाँ मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ कि 12 से ज़्यादा हो गए हैं। अब मेरी हिम्मत टूट गई है, बिल्कुल थक गई हूँ। उसके बाद ये कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना था कैमरा से, मैंने सोचा कि वहाँ जाकर एडिट कर लूँगी। सरप्राइज 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 देख के सब हैप्पी होते हैं। मीठी तुम तो रोई रोई कर रही हो, बोलो मामा ओपन, मामा ओपन। चलो मीठी, ब्लू, वेरी गुड, नाउ ईट 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 मीठू। मिठी का हेयर कितना सारा हेयर है, ब्लैक ब्लैक है। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30, आई मीन 12:30 जस्ट होने वाले हैं, 12:20 हो रहे हैं। तो अचानक जाना पड़ रहा है किसी काम से मुझे अपने होम टाउन, यानी कि मेरे इन लॉज और मेरा होम टाउन जो है सेम ही है, तो दोनों जगह जाऊंगी। तो एक पूजा अटेंड करना है और भी कुछ काम है, चलिए ब्लॉग में मैं आ गए आप लोग को बता ही दूंगी। तो आज सुबह से थोड़ा सा घर के काम में बिजी थी, और भी पता नहीं क्यों बहुत लो फील कर रही थी, बहुत मुझे कई दिन हो गए काफ्स खाए हुए, एक्सरसाइज कर रही हूँ, वेट लूज हुआ, लेकिन आज वो फर्स्ट डे था जब मतलब ऐसा लगा ना कि मैं सुबह से मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो रहा ना। क्या हुआ पहले बताओ, विच कलर? विच कलर? Which color? No, no, this is not red. बताओ। जो तो इसकी वजह से मेरा मन ही नहीं किया। मैंने सोचा था कि आज मैं ब्लॉग शूट ही नहीं करूँगी, कल डायरेक्टली करूँगी। तो फिर शाम को मैंने थोड़ा 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 कुछ कुछ हल्का हल्का कर लिया, तो मैंने कोई ब्लॉग अपना स्टार्ट नहीं किया था आज प्रॉपर। तो मैंने सोचा अभी सोने से पहले थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस यही बात है कि कल जाना है, कल दोपहर में है फ्लाइट, तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है। अब कुछ जो भी छूटा फूटा कुछ कुछ चीज़ें होती है जो लास्ट मिनट पे ही रखी जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ सोने, मुझे आ रही है, तभी आ रही है मुझे बहुत तेज नींद। अब देखा जाएगा, जो भी ऐसे भी घर ही है, अगर कुछ बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छोड़ कर बाकी कुछ अगर नहीं भी जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जा रहे, अपने घर ही जा रहे हैं। एनीवेज तो चलिए मैं इस, हाँ तो मैं पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा लो फील, मतलब मुझे जैसा लग रहा था कि इतने दिन में आज मुझे वीकनेस सा लग रहा है, जबकि मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था, लंच भी किया था, डिनर भी किया है। और आज तो ऐसा हुआ कि मैंने लंच थोड़ा सा हैवी बनाया था, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ आज जब मैंने लंच बनाया था ना कोफ्ता, मुझे बहुत कुछ खास नहीं लगा। मतलब जो मतलब इसके पीछे रीज़न ये है ना कि मुझे कोफ्ता लौकी का बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हमेशा अब उससे तो डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी आप खा सकते हो, अगर जो कीटो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि आप मतलब उस तरह से लौकी का, लौकी के और भी बहुत सारे डिशेज हैं। मैं आगे अब यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अपने होम टाउन में दिखा पाऊँ, तो मैं यहाँ आने के बाद में और आगे की रेसिपीज भी डालूँगी।
तो मुझे लेकिन जैसे लगा ना कि मैं उस टेस्ट को मिस कर रही थी जो हमेशा कोफ्ता का जनरल होता है. और मुझे पता है कि मैंने दो कोफ्ते बनाए थे, एक नॉर्मल जैसे बनता है और एक खुद के लिए बनाया था पीठो. तो मेरा ना बहुत अंदर से एक फील आ रहा था कि मैं उस मैंने राइस ले लूँ. मैं सबको खाते देख रही थी कि राइस और कोफ्ता. तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा सच में मन किया कि मैं डाइट वाला खाना अपना हटा कर वो खाऊँ. तो इसलिए मुझे इसका टेस्ट उतना कुछ खास नहीं लगा. अदरवाइज और सिर्फ कोफ्ता खाने में क्या मजा है, मतलब थोड़ा सा राइस होता. मेरा रोटी से खाने का मन नहीं किया क्योंकि सेम आटे का आप कोफ्ता बनाया हो डालकर फिर उसी का आटा का रोटी, और ऐसे भी लो फील कर रही है तो मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुआ कि मैं बनाने जाऊं. तो इसलिए मैंने साइड में थोड़ा सा पनीर ले लिया था. तो लंच से मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी. डिनर अभी बहुत अच्छा लगा मुझे करके. मैंने बैंगन का भरता बनाया था और उसी आटे की रोटी बनाई थी. तो इस आटे का टेस्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब जैसे मैं मल्टीग्रेन बनाती हूँ तो मल्टीग्रेन का भी ना एक सेटिस्फेक्शन फील होता है. देखो आप काव खाओगे तो आपको वो सेटिस्फाई फील होता है, काव नहीं है तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं कमी रहता ही है. तो इस आटे का मैं आपको, ऐसे आटा बहुत महंगा है, 600 रुपीज का मुझे 1 किलो पड़ा. तो खैर ऐसा नहीं है कि आप इसे, इसको ख़त्म होने में काफ़ी टाइम चाहिए. एक तो मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा और ये इतना समय गूंथती हूँ तो उसमें एक रोटी हो जाता है, तो एक रोटी इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे. तो एक्चुअली इसमें फ्लेक्सीड है और एमंड है और एक दो चीज़ें हैं. तो फ्लेक्सीड का ना एक लसलसापन होता है, तो जब ये मैं आटा जो गूंथती भी हूँ ना तो मेरे हाथ में ऑलरेडी ऑयल आ जाता है, मतलब ऑयली ऑयली सा हो जाता है. और मैं कभी अच्छे से दिखाऊंगी उस आटे को. तो और क्या होता है कि जब मैं चबा के खाती हूँ उसको ना तो एक लसलसा सा फील आता है. मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि भर जाए आपको भिंडी खाने से जैसा होता है, वैसा भी नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है ना कि फ्लेक्सीड की वजह से वो वाला एक टेक्सचर आता है. तो एनीवेज जो लोग कीटो कर रहे हैं उनके लिए उसमें अलग अलग डिशेज ट्राई कर सकते हैं, उसमें कुछ वेजिटेबल वगैरह डाल करके वो रोटियाँ वगैरह बना सकते हैं. क्योंकि उसको जैसे मल्टीग्रेन बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको बेलने में वो बहुत टूटता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, ये बन जाता है इजिली. इसमें ऐसा नहीं पतली पतली रोटियां भी बन जाएगी. तो एनीवेज अब मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ तो किसी चीज़ का टेस्ट लगने में भी टाइम लगता है. और मैं कीटो जो है वो 2 महीने करूँगी, मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ है. तो अभी मेरा लगभग हो गया 10 दिन मुझे लगता है मैं करते करते मुझे, और देखते हैं कब तक खिंच पाता है. उसके बाद 1 महीने और ट्राई करूंगी और उसके बाद मैं फिर गैप लूंगी, फिर मैं लो कार्ब डाइट पे आ जाऊंगी अपने. लेकिन आज मुझे जिस तरह की वीकनेस फील हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि मैं कल थोड़ा बहुत लो कार्ब डाइट थोड़ा सा ले लूं, क्योंकि मुझे ऐसे भी ट्रैवल करना है और मैं इस तरह जिस तरह यहाँ बना बना कर मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, खा रही हूँ, इसमें से आधा से ज़्यादा चीज़ें तो मुझे वहाँ मिलेंगी नहीं मेरे होम टाउन में. तो देखते हैं वहाँ क्या मैनेज हो पाता, नहीं होगा तो नॉर्मल खाना ही खाएंगे, बस क्वांटिटी पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए. अब ये सब नखड़े ससुराल में तो नहीं चलेंगे ना भाई, ससुराल में तो जो बन रहा है सो खाओ. एनीवेज चलिए तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से मैं कल के ब्लॉग में. और जल्दी उठना भी है, बातें करते करते मेरे, मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मैं सारे दिन का एक साथ बोल देती हूँ. तो चलिए अब बात नहीं ज़्यादा करते हुए आप लोगों से मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग. और तब तक के लिए अगर यहाँ तक देखा होगा वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मैं आप लोगों से मिलती हूँ.